नमस्कार, मैं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टेनमेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अमेठी में थाना संग्रामपुर के ब्लॉक प्रमुख पद प्रत्याशी भाजपा समर्थित संगीता गुप्ता और निर्दलीय प्रत्याशी कल्लन देवी के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते वहां दोनों के समर्थकों में हाथापाई तक बात पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। अमेठी में थाना जामो क्षेत्र के भवानीगढ़ में आबकारी विभाग के साथ ही पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से दबिश देते हुए 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। वही मौके से उन्होंने लगभग 400 किलोग्राम लहन भी नष्ट कर दिया है। अयोध्या में सोहावल ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दबंगई करते हुए जोरदार हंगामा काटा। सभी ने सभा प्रत्याशियों से मारपीट कर कईयों को घायल भी कर दिया है। वहीं मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने किसी तरह से मामले को शांत करा दिया। बहराइच में थाना रुपैदिया क्षेत्र के पचपकड़ी गांव में ग्रामीणों ने एक थाने में तैनात सिपाही लक्ष्मण गौर और एक अन्य सिपाही पर शादी के दौरान दबंगई करते हुए 2000 रुपए रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों की माने तो सिपाही ने एक बच्चे पर डंडा भाजा और फिर पहले 5000 रुपए मांगे, लेकिन फिर मिन्नतों के बाद वो 2000 रुपए लेकर वहां से रवाना हो गए। बहराइच में बिजली की चोरी पर रोक लगाने के लिए विभाग के कर्मियों ने शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी की है। इस दौरान सभी ने 2.5 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कटिया कनेक्शन चलाकर विद्युत चोरी अधिनियम के तहत FIR भी दर्ज की है। रामपुर में जिलाधिकारी के आवास पर ड्यूटी करने वाला एक होमगार्ड सड़क हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल उसे रामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर के शहर कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि पैसों की लेन देन को लेकर उसके सगे भाई ने उसे लोहे की रॉड से पीटा है। आरोप है कि उसके भाई ने करीब 50,000 रुपए के लेन देन को लेकर उसे लोहे की रॉड से पीट दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। रामपुर के शाहबाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजरानी के घर में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 शस्त्र भी बरामद किए हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने राजरानी के पति महेंद्र समेत 3 अन्य को हिरासत में ले लिया। रामपुर में 2 साल से बलात्कार के आरोप में वांछित 25,000 के इनामिया कल्लू को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने बदमाश को थाना शाहबाद क्षेत्र के गहनी तिराहा से गिरफ्तार किया है। रामपुर में थानागंज क्षेत्र के महिंद्रा एजेंसी बरेली गेट के पास से पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। चंदौली में रात्रि गश्त के बावजूद मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के PDDU नगर में चोरों ने एक रेल कर्मी के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया है। मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि आखिर पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है। चंदौली में सदर कोतवाली क्षेत्र के बरथरा गांव में जमीनी विवाद की वजह से दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट के बाद उनके घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस पूरे वारदात के एक वीडियो में सब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। महोबा में मुख्यालय के पास मौजूद उप कारागार में भूख से बेहाल एक कैदी ने ब्लेड से अपनी गर्दन काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और अररिया में सदर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर पर महिला हेल्प डेस्क परिसर में एक हत्यारोपित महिला से झाड़ू लगवाने के साथ ही एक युवक की हत्या के बाद प्रदर्शन करती महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। वहीं SP का कहना है कि इस पर जल्द ही जांच पड़ताल की जाएगी।